हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं जा रहा हूँ ऑटो एक्सपो। आज का व्लॉग बहुत ही बढ़िया शानदार होने वाला है। बहुत सारी नई नई कार्स, नई नई बाइक्स, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कार्स और बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स और टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल्स की ये सब चीज़ें होंगी। हम लोग और भी वीडियोज बना रहे हैं जिस जो इलेक्ट्रिक कार्स है और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिले। टॉप 5 कार्स, टॉप 5 बाइक, ये वीडियो भी आने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज करता रहूंगा। गाड़ी बंद होगी। सबकी एक झलक आपको देखने को मिलेगी, तो आप देखते रहिए क्योंकि बहुत कुछ है हमारे पास आप लोगों को दिखाने के लिए ऑटो एक्सपो 2018 से। फाइनली हम लोगों ने एंटर कर लिया है थोड़ी वॉक के बाद। इस तरफ है तरंग हमेशा की तरह फुल एनर्जी के साथ, और यहाँ है हमारे तनवीर जो कि आज अपने कैमरा से दिखाने वाले हैं जादू। और हम लोग बढ़ रहे हैं कुछ बूथ की तरफ ताकि आप लोगों के लिए जो भी नए अपडेट्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कार से रिलेटेड। भाई बढ़िया बढ़िया बाइक्स में इंटरेस्टेड तुम्हें? हायबुसा इन्हें चाहिए। हायबुसा तुम्हें क्या चाहिए? जो मेरे पॉकेट में आ जाए। तो इनको तो फिर हम बाहर से दिला देंगे क्योंकि इन्हें तो पॉकेट में डालने वाली बाइक चाहिए। हैं यहाँ क्यों आए हो फिर? सर मेरे बजट में आ जाए, हायबुसा मेरे बजट से बाहर है। काफी मस्ती होने वाली है यहाँ पे, जो टेक्नोलॉजी उनके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ थोड़ी मस्ती भी करेंगे गाड़ियों के साथ। कोशिश करेंगे कि हर गाड़ी में घुस के उसका फोटो वोटो ले। आप लोग देखते रहिए, यहाँ है एंटी कार्स, यहाँ पे हम बाद में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह के बूथ्स हैं। ये गेट नंबर 5 से हमारी एंट्री हुई है और वॉक करना पड़ा। पार्किंग से जो बस थी वो बस भी नहीं हमें मिल पाई। हाँ वेदर अच्छा है, मतलब धूप हल्की हल्की है, ठंड भी मतलब गई नहीं है, तो इट इज गुड। कीप वॉचिंग। सबसे पहला बूथ जो यहाँ पे ऑटो एक्सपो पे है वो है सुजुकी का। दिस इज द न्यू सियाज जो कि यहाँ पे आज अनवील हुई है। ये गाड़ी काफ़ी अच्छी दिख रही है इन टर्म्स ऑफ द लुक एंड फील। कुछ चेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मेरे लिए ज़्यादा एक्साइटिंग यहाँ पे कुछ और है। तो दिस इज़ द न्यू हायबुसा 2018 मॉडल। यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड दिस इज़ द बाइक आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू बेसिकली बाय। बाकी देखते हैं और भी यहाँ पे बाइक्स हैं, तो आई विल कंसिडर ऑल ऑफ देम। यू कैन सी यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। पूरा जो है पैडिंग दी हुई है एंड दिस पार्ट इज बेसिकली प्लास्टिक। इस पर बैठना अलाउड नहीं है, तो आई वोंट बी एबल टू सिट ऑन दिस। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जॉस्ट जो है कितना बड़ा है और कितना शानदार लग रहा है। बाइक इज गोइंग टू कम इन 2 कलर्स राइट नाउ। दूसरे कलर में भी आएगी, यानी कि व्हाइट में भी आएगी, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। क्या मस्त है बिल्कुल। ये बाइक की बात ही अलग है। उसे में होता था उससे थोड़ा सा और उसे उठा दिया गया है, तो थोड़ा सा उसे रेस कर दिया है। यार फ्रंट लुक ऑसम। और अगेन पुरानी वाली तो 15 लाख रुपए के आसपास है, ये 13 लाख रुपए वैसे दिखा रहे हैं, अब 14 लाख की भी पड़ेगी तो क्या बुरी है। तो हम हैं यहाँ सुजुकी बुक पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है लेटेस्ट कॉन्सेप्ट सुजुकी की तरफ से। देख सकते हो कितने शानदार इसके अलॉय जो है लग रहे हैं टायर के, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देख सकते हो कि कुछ इस तरह की लुक एंड फील मिल सकती है सुजुकी की, कोई कॉम्पैक्ट SUV कार जो है आ सकती है। और यहाँ पे कुछ उसी तरह से दिखाया गया है। पीछे की टेल लाइट जो है कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे पैडिंग वगैरह दिया गया है, बहुत ही अच्छी स्पोर्टी लुक इस कार की जो है देखने को मिल रही है। तो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे दिखाए गए हैं ऑटो एक्सपो में, उसमें से सबसे ज्यादा सुंदर कॉन्सेप्ट है बहुत सारी कार्स, तो उनमें से एक सुंदर कॉन्सेप्ट कार ये हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि फ्रंट से ये किस तरह की दिखती है, कुछ इस तरह की लुक एंड फील आती है फ्रंट में। होपफुली इस तरह की एग्जैक्ट लुक वाली कार अगर आए तो हर कोई उसे खरीदना चाहेगा। होंडा के बूथ पे और यहाँ पे नई वाली होंडा सिटी भी खड़ी है, लेकिन वो इतने ज़्यादा हमें पसंद नहीं है, हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे 2 कार जो है शोकेस की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड कार होने वाली है। और कहीं ना कहीं डे बेसिस पे जो आप ड्राइविंग करते हैं आपकी ड्राइविंग के हिसाब से ये आपको लर्न करेगी और आपको और सजेस्ट करेगी ताकि आप सेफली ड्राइव कर पाए। और अगेन इस तरह की कार ही फ्यूचर कार्स होंगी, लेकिन अगेन ये कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट हमेशा एक अच्छी लुक एंड फील के साथ देती है, लेकिन जो फाइनल कार होती है उसमें थोड़ी डिफरेंट लुक एंड फील हमें मिलती है। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की लुक है इस कार की। यहाँ पे आपको सामने की तरफ ही कुछ इन्फॉर्मेशन वाला एक LED बोर्ड मिल रहा है, और साथ साथ होंडा का लोगो मिल रहा है और जो लाइट्स हैं वो मिल रही है। लुक एंड फील में ये कार बहुत ही अच्छी लगती है, और कहीं ना कहीं डिज़ाइन के हिसाब से ऐसा लगता है कि एक फ्यूचरिस्टिक फील जो है इन कार्स में आपको देखने को मिलती है। तो
मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ इस कॉन्सेप्ट कार को थोड़ा अंदर से कि किस तरह से ये दिखती है होंडा की कॉन्सेप्ट कार। सो कुछ इस तरह की है यहाँ पे ये, और स्टेयरिंग आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक से स्टेयरिंग है, और यहाँ पे सबको टच स्क्रीन से होने वाला है। नीचे की तरफ आपको जो है पैडल दिए गए हैं रेस के लिए और ब्रेक के लिए। अब हम आ गए हैं महिंद्रा की नई कॉन्सेप्ट थार, यानी कि ये थार आपको मिल सकती है कुछ इसी तरह की लुक एंड फील में। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन महिंद्रा आपके लिए कस्टमाइज करके इस तरह की जो है थार बना के दे सकता है। उसकी क्या प्राइसिंग रहेगी वो बताएंगे बाद में। देखो ये बिल्कुल ऐसी है जो कि आप समझ लो कि ऑफ रोड के लिए यूज कर सकते हो। फ्रंट लुक बहुत ही शानदार है, बड़े बड़े पत्थरों की नदियों के अंदर आराम से ये जो है चल जाएगी, और ओवरऑल काफ़ी कुछ पावर जो है आपको मिलेगी। सारा आपको जो है लेदर मिल रहा है विच इज़ वेरी नाइस, और ये पूरा कस्टमाइज करके आपको मिल सकता है आपके कलर के हिसाब से। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का स्टीयरिंग आपको मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पीडोमीटर वगैरह मिल रहे हैं। बेल्ट जो है बिल्कुल उस तरह की है जैसी आपको एक नॉर्मल रेसिंग कार में एक बेसिकली एक जीप में मिलती है जब आप उसे ऑफ रोडिंग के लिए ले जाना चाहते हैं। साथ ही साथ पीछे बैठने की भी यहाँ पे जगह है, और कितना सारा एरिया जो है ये पूरा खुला हुआ है। ये देखिए ये वाला गेट आपका जब आप खोलते हैं उसके बाद आप इस वाले गेट को कुछ इस तरह से खोल सकते हैं इस डोर को, और इस डोर को खोलने के बाद आपके पास खूब सारी जगह है। तो अगेन कहीं भी आप अगर जा रहे हैं जिम कॉर्बेट वगैरह तो इस तरह की गाड़ी में आप अपना व्यू का प्रॉपर मजा जो है ले सकते हैं। बैक साइड की तो बैक साइड आप देख सकते हैं कि बैक साइड में आपको कुछ इतना बड़ा टायर जो है मिल जाता है। इस तरह का टायर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, और लुक एंड फील वाइज बहुत ही अमेजिंग लुक आती है। अगर हम बात करें साइलेंसर की तो यहाँ पे कुछ इसका साइलेंसर मिलता है। अगेन स्पेशली नदी वगैरह के लिए इस तरह की लोकेशन जो होती है साइलेंसर के लिए वो बेटर होती है। और डैशबोर्ड में कुछ इस तरह का डैक आप लगा सकते हैं, तो अगेन बहुत ही मजेदार, मतलब जो आप चला सकते हैं जा सकते हैं अपने ऑफ रोड के ट्रिप पे, और आपको बहुत मजा आएगा इस तरह की चीज में। और कोई भी देखेगा सड़क पे से तो बस वो वाओ वाओ करता रह जाएगा। और मुंबई से आपको ये गाड़ी मिलेगी, और 3 महीने लगेंगे तकरीबन इस तरह की गाड़ी आपको मिलने के लिए ऑर्डर देने के बाद। ताकि थार अगर आपको चाहिए एग्जैक्टली सेम LED लाइट्स के साथ और बिल्कुल सेम लुक एंड फील के साथ तो आपके लगेंगे 13 लाख रुपए। जी हाँ, 13 लाख रुपए का आपका होगा खर्चा, लेकिन आपको लुक एंड फील ऐसी मिलेगी जैसी लुक एंड फील किसी के पास भी नहीं होगी, किसी भी और गाड़ी में नहीं मिलेगी आपको आपके शहर में। और एक बार आपने इसे खरीद ली तो उसके बाद फिर आप कहीं भी चलाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम हैं यहाँ पे के बूथ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग अलग अलग कार्स को मॉडिफाई करते हैं, ना सिर्फ फोर्स के व्हीकल्स, आप किसी भी तरह का व्हीकल जो है मॉडिफाई इनसे करा सकते हैं। इस तरह के व्हीकल के अंदर शोरूम देखना चाहे तो कुछ वैसा ही किया है इन्होंने यहाँ पे, और ये है शॉप ऑन द गो बना हुआ जहाँ पे मोबाइल फोन की जो है शॉप है। आई थिंक हमारे जो मोबाइल फोन के ब्रांड्स हैं उनको हम इस तरह का कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन का डब्बा रखा है, सिर्फ डब्बा ही रखा है, आईफोन नहीं है, डोंट वरी। एंड कुछ इस तरह का आप बना सकते हैं फोर्स के इस व्हीकल के अंदर, जो कि एक आपका चलता फिरता शोरूम हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो बेसिकली आप ट्रैवल करते हुए अपना आराम से अपने ऑफिस कलीग के साथ मीटिंग कर सकते हैं, और ना सिर्फ मीटिंग साथ साथ यहाँ पे कॉफी मशीन भी जो है दी गई है, तो कॉफी वगैरह जो है आप वन टच पे जो है बना सकते हैं। डैक यहाँ पे मिल जाता है USB ड्राइव लगा के, आप AC वगैरह यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और सामान रख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना लैपटॉप वगैरह रख सकते हैं। साथ ही साथ ये किस लिए है मुझे पता नहीं है, बट कुछ तो होगा। एनीवेज तो ये मीडिया किट मिलती है अगर आपके पास मीडिया बैच है तो, और कुछ इस तरह का ये बहुत ही बेकार सा बैग मिल रहा है, लेकिन ठीक है चलता है। इसके अंदर मिलता है आपको एक चिप्स का पैकेट जो कि आप खा सकते हैं, फिर साथ में मिलती है एक पानी की बोतल। ये खुली हुई बोतल थी, ये तुमने खोली? मैंने खोला। और एक मिलता है मफिन, देखिए क्या शानदार चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ पे मीडिया वालों के बजट की, लेकिन ये सब मिलेगा आपको, इतना ही मिलेगा। लेकिन जो लोग टिकट खरीद के अगर ऐसा कुछ उन्हें मिल रहा है ये मीडिया वालों की बेइज्जती है सर। तो अभी है समय थोड़ा सा ब्रेक लेने का, और हम यहाँ पे छांव में अपनी मीडिया किट से चिप्स निकाल के खा रहे हैं। तनवीर को बहुत भूख लग रही है, तरंग तो इतने भूखे हैं कि वो चिप्स के दो दो पैकेट अभी गबन कर जाएं कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए खटाखट खाए जा रहे हैं, और मैं खा रहा हूँ यहाँ पे ये मफिन, और इसके बाद हम और चीज़ें कवर करेंगे। देखते रहिए इस ब्लॉग को, क्योंकि बहुत कुछ एक्साइटिंग आपको मिलने वाला है इस ब्लॉग में, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट में आपको मिलेंगी खतरनाक बाइक्स। सो
सो दोस्तों ऑलमोस्ट आधा दिन ख़त्म हो चुका है ऑटो एक्सपो पे और अब समय है खाना खाने का। यहाँ है हमारे तरंग गुप्ता साहब और इधर है हमारे तनवीर जो कि बहुत ही भूखे हैं, इस टाइम पे भूख बहुत लग रही है। और ये है हमारा आज का लंच जो कि हमें मिला है मीडिया पास से। तो चावल है यहाँ पे एंड देन कुछ ठंडे गुलाब जामुन है, यहाँ पे पनीर है, यहाँ पे सलाद है और यहाँ पे कुछ छोटा सा कुछ सैंडविच टाइप है। बट एनीवेज मज़ा आ रहा है ऑटो एक्सपो पे, बहुत मज़ा आ रहा है। ये भी इंडियन मार्केट में आने वाली है कुछ दिनों में एंड कुछ इस तरह की दिखेगी नई जिक्सर 250cc। ठीक है, बूथ पे बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं नए नए प्रोडक्ट शोकेस किए गए हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अरे वो क्या है भाई, लगता है छोटे बच्चों का कुछ खिलौना भी यहाँ पे रखा हुआ है। एक और ऑफ रोड बाइक यहाँ पे दिखाई गई है जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। इसका साइज देखिए आप, और अगर आपको कंपेयर करना है साइज को तो ये देखिए, ये है बड़ी ऑफ रोड की एक बाइक की कुछ इस तरह की होती है, जबकि ये वाली छोटी बाइक जो है बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत बढ़िया लग रही है। ये प्रॉपर चलती हुई एक बाइक है, हालांकि ये सेल के लिए नहीं है, ये इंडिया में लॉन्च नहीं आने वाली, बस ये शोकेस के लिए यहाँ पे रखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए हो सकती है या फिर अगर आप भी चलाना चाहें तो आप इसे चला सकते हैं। कुछ और हुडी जैकेट्स, टी शर्ट्स वगैरह यहाँ पे है और ये बाइकर के ग्लव्स हैं सुजुकी के ब्रांडेड वाले जो कि आप ले सकते हैं। अगर आप बाइक चलाते हैं तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट हो सकती हैं। इस तरह के ग्लव्स जो है लेने चाहिए, अगर आप थोड़ी सी भी फास्ट बाइक जो है अगर चलाते हैं तो आप इस तरह के ग्लव्स को कंसिडर बिल्कुल करिए। बात करते हैं कुछ मर्चेंडाइज के बारे में और यहाँ पे यूएम ब्रांड के हम शूज़ पे हैं। आप चाहें तो इस तरह के शूज़ भी ले सकते हैं और साथ ही साथ हेलमेट्स और साथ साथ डिफरेंट डिज़ाइन के साथ आपको हेलमेट जो है मिल जाते हैं, अगेन गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी, और साथ साथ वॉलेट वगैरह। तो ये सारा ब्रांडेड एसेसरीज़ हैं जो कि आप अगर ब्रांड में बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें परचेज कर सकते हैं। कि ये है फ्यूचर ऑफ बाइक्स एंड ऐसे में इस तरह की बाइक ही आगे जाके कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसी बाइक बनेगी जिससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा और साथ ही साथ आपको वो स्पीड भी मिलेगी जो आपको एक रेगुलर रेसिंग बाइक में मिलती है। तो गाइस यहाँ ऑटो एक्सपो में बहुत कुछ है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया अच्छी डिज़ाइन बाइक जो है देखने को मिल गई हैं। ये वाली जो बाइक आप देख रहे हैं, इस बाइक को मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सब लोग सपोर्ट करना चाहेंगे। एक ऐसी बाइक है जिसे मैं डेफिनेटली राइड करना चाहूँगा क्योंकि ये एक मेड इन इंडिया, डिज़ाइन इन इंडिया बाइक है और साथ ही साथ ना सिर्फ ये मेड इन इंडिया, डिज़ाइन इन इंडिया है, साथ ही साथ ये एक इलेक्ट्रिक बाइक भी है। तो इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जो कि एक स्टार्टअप की तरफ से है। इस बाइक का नाम है M-Flux 1। तो M-Flux 1 कुछ इस तरह की दिखती है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इस बाइक के अंदर टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। इस बाइक की टेस्टिंग ये लोग कर चुके हैं, अप्रैल 2019 तक ये बाइक आपको मिलेगी। बाइक को मैं दिखाता हूँ आपको कि कुछ इस तरह की ये बाइक दिखती है। यहाँ बहुत ही सुंदर सा टायर है और पीछे की तरफ कुछ इस तरह की लुक एंड फील आपको मिलती है M-Flux 1 की। अगर हम बात करें मोटर की तो यहाँ पे है आपकी मोटर और इसी के साथ यहाँ पे एक बड़ी सी बैटरी जिससे ये मोटर पावर्ड होती है। और कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपको मिलेगा इसमें, ये टच स्क्रीन डिस्प्ले होने वाला है
और कुछ इस तरह का हैंडल मिलने वाला है। अगर हम बाइक के फ्रंट की बात करें तो फ्रंट टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलती है और साथ ही साथ फ्रंट की लुक कुछ इस तरह की है जो आपको मिलती है। आगे बाइक है और तनवीर यहाँ से कैमरा लेके आ रहे हैं और यहाँ पे स्टैंड है, ठीक है, तनवीर है स्टैंड। मतलब कोई भी चीज तनवीर को रोक नहीं सकती है, जो वो शूट कर रहे हैं 100% खतरनाक शूट करते हैं, 100% अग्रीड। कोई लड़की आए, कोई बंदा आए, कोई ट्रक आ जाए, सबको शूट पहले ट्रक को भी उड़ा देंगे। दुनिया भर के एक्सीडेंट हुआ है आज। सबसे पहली बात, मैंने भी गिराया, अगर मैंने गिराया होता तो वो स्टैंड उधर गिरता जबकि वो इधर गिरा, मेरे तरफ गिरा, कहीं भी हो गिरा है। ये हंसते रहते हैं जब भी ऐसे कुछ होता है, ये हंसते रहते हैं कि ये देखो गिर गया, ये देखो टूट गया, गिरा है। और मैं बेसिकली शूट करते करते एकदम से मुझे रुकना पड़ता है कि भाई क्या हो गया, वो रिकॉर्ड भी हुआ है ऊपर से ब्रांड आया होगा रिकॉर्ड में, वो ब्रांड वाले सोचते हैं कि ये हार्ट अटैक का हार्ट अटैक दिल मुंह में आ गया। कहीं पे तो हम बाइक पे चढ़ गए, कहीं पे उनके स्टेज पे चढ़ गए, किसी से है नहीं, वैसे ही चढ़ जाते हैं कि भैया शूट करेंगे पहले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम। और कल का वीडियो भी देख लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक बटन पे दबा दो। इतना सारा काम किया आप लोगों के लिए, एक तो हम वैसी टेक पब्लिकेशन, ऊपर से इतना चुन चुन के टेक निकाला आपके लिए इस वीडियो में, और खासतौर से बाइक्स जो आप लोगों को बहुत पसंद है। लाइक कर दो यार, लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। थके कि नहीं थके सर? थकान तो होती है, कॉफ़ी है हमारे पास, कॉफ़ी पी रहे हैं। कैसी है कॉफ़ी? गर्म गर्म अच्छी है, मज़ा आ रहा है यार ऑटो में। कल भी कुछ बढ़िया सा बनाएंगे, आज तो बहुत मज़ा आया। और आप लोग यहाँ आने से पहले बहुत कुछ देख लोगे तो फिर आपको मन करेगा ऑटो में जाना ही है।